देखिए आपकी खर्च भी की साधना भी हो रही है और उसके साथ साथ आपका पिच भी करेक्ट होता जा रहा है इस रियाज द्वारा। एक होता है कंसुरापन, अर्थात स्वर में तो हो लेकिन परफेक्ट नहीं हो, मतलब उसके आसपास डोल रहे हो, मतलब तीर निशाने के निशाने पे तो लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट निशाने पे नहीं लग रहा, वो उसके आसपास लग रहा है तीर। तो ये सा सा, अब ये कंसुरा होना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आपको पता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही एलिमेंट्री गजब का टॉपिक आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा कि आवाज़ को किस प्रकार हम सुरीला करें, हाउ टू मेक योर पिच करेक्ट एंड परफेक्ट, आई मीन्स परफेक्ट पिचिंग किस प्रकार करें। तो इस सभी का राज दोस्तों हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। मैंने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था दोस्तों, उसमें मैंने सा का रियाज बताया था, वो अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस लेक्चर के रियाज को अप्लाई करना है दोस्तों। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं तीन आपसे टेक्निक्स, तीन रियाज आपसे मैं शेयर करूँगा, जिससे आप अपनी आवाज़ को सुरीला बना सकते हैं, अपनी पिच को करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपका जो बेसुरापन है उसको भी आप जांच सकते हैं। देखिए, एक होता है सुरीलापन, एक होता है बेसुरापन और एक होता है उसके बीच का कंसुरापन। सुरीलापन अर्थात उसी फ्रीक्वेंसी में स्वर लगाना जो स्वर की फ्रीक्वेंसी है, सा मेरी और स्थानपुरी की आवाज़ मर्ज हो गई, वो सुर है, समझ रहे दोस्तों। स्वर को सुर में गाना ये कहा जाएगा, स्वर तो मेरा सा है, उसकी पिचिंग, उसकी जो वाइब्रेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने मैच कर दी तानपुरे की फ्रीक्वेंसी से, वो मेरा स्वर कहलाएगा। एक होता है बेसुरापन, मतलब पटरी से ही मैं उतर जाऊं तो वो बेसुरापन होगा, तो सा सा, अब सा रे, रे की तरफ मैं उन्मुख हो रहा हूं, समझ रहे हैं आप, साफ ही पकड़ में आ रहा है। बात कंडी जी ने क्या कहा था, स्वर गया तो सर गया, ताल गया तो बाल गया, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, तो आप समझ रहे हैं। और अब एक होता है कंसुरापन, अर्थात स्वर में तो हो लेकिन परफेक्ट नहीं हो, मतलब उसके आसपास डोल रहे हो, मतलब तीर निशाने के निशाने पे तो लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट निशाने पे नहीं लग रहा, वो उसके आसपास लग रहा है तीर। तो ये सा सा, अब ये कंसुरा होना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आपको पता है। बेसुरापन भी आना चाहिए, क्योंकि गलत का नहीं पता होगा तो सही कैसे गाओगे आप, समझ रहे हो। सा, अब देखो सा सा रे, रे की तरफ मैं जा रहा हूँ ना, सा सा, ना कोमल रे है और ना सा है, तो ये बीच का गैप क्या है, ये श्रुति है, अब श्रुति पे मैं ये गा रहा हूँ मैं ये चीज़, समझ रहे हैं आप, तो ये कंसुरापन कहलाएगा, सा सा, बेसुरापन भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट मैं पटरी से तो नहीं उतरा ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपने समझ ली और प्रैक्टिकली आपके कान ने पकड़ ली तो 100% सुरीलापन आना निश्चित है। अब उसकी विधि, उसकी क्या युक्ति है दोस्तों, वो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ। तीन युक्तियाँ आपसे शेयर करूँगा, ये युक्ति मेरे मैम परम आदरणीय चांदनी सिन्हा मैम ने ये मुझे बताई हैं, जो कि विदुषी गिरजा देवी जी की शागिर्द रही हैं दोस्तों। उन्होंने मेरी मैम को ये टेक्निक सिखाई थी और उनके द्वारा मैंने ये चीज़ सीखी है, तो बहुत ही गजब की चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। लेक्चर पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल म्यूज़िक संगीतमयी वाणी द्वारा मैं ऐसे ही लेक्चर्स लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गजब के लेक्चर का। देखिए दोस्तों, ओम का रियाज तो आपको खूब सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि ओम का रियाज करो। ये जो है पहली वाली जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये एकदम नई है। इसमें आपको किस प्रकार आपको प्रत्येक स्वर को लगाना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रत्येक स्वर को उसके नाम से ना बोलकर आ ए ओ, क्या चीज, आ ए ओ, ये हमको उच्चारण करना है प्रत्येक स्वर की फ्रीक्वेंसी पर। इस फ्रीक्वेंसी पे हमें आ ओ ए इसका उच्चारण करना है। अब ये साउंड करने में बहुत अजीब सा लगेगा आपको,
हो सकता है कईयों को तो हंसी भी आ जाए, लेकिन हंसी में खसी ना हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये बुज़ुर्गों द्वारा किया गया रियाज है, उनके द्वारा सिखाया गया ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और 100% अगर आपने इसको अपनी दिनचर्या में इसको आपने इंक्लूड कर लिया तो आप इसका चमत्कारिक रिजल्ट देखिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे इस चीज़ की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसका रियाज करते हैं। अब क्या रियाज करना है देखिए, ये मैं सा पे हूँ, सा 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 स्वर को ना बोलकर मैं आ ओ ए आ ओ ए आ ओ ए। जल्दबाजी नहीं करनी है, संगीत एक सागर है, जल्दबाजी करोगे डूब जाओगे। पेशेंस से, खुशी से, मन को एकदम तल्लीन करके सारी टेंशंस को भूल कर। पहली बात, संगीत ही ऐसी चीज़ है जो सारी टेंशंस ऑटोमेटिकली भुला देगी, और ये ऐसी चीज़ है 100% आपकी जो दिमाग की जो नसों में जो टेंशंस भरी हुई हैं उससे भी आपको ये मुक्त करेगी। आप इसका 5 मिनट ही रियाज करके देखिए। मद्र सप्तक में जाएंगे पहले, देखिए आपकी खरज भी की साधना भी हो रही है और उसके साथ साथ आपका पिच भी करेक्ट होता जा रहा है इस रियाज द्वारा। अब मध्य सप्तक में चलते हैं। तो देखिए, सा से पहले मद्र पंचम तक गया, पंचम से षड्ज पे आया, और फिर षड्ज से तार सप्तक के षड्ज पे गया, और फिर वापस मैं षड्ज पर आ गया। इसका आ ओ ए में प्रत्येक स्वर का मैंने उच्चारण किया। ये मेरा पहला रियाज हो गया पिच करेक्शन के लिए, सुरीलेपन को बढ़ाने के लिए। अब आपको मैं दूसरा रियाज बताता हूँ दोस्तों। ये बेसिकली मेंड का रियाज है, अर्थात या फिर हम कह सकते हैं प्रत्येक स्वर को षड्ज से मापना, मतलब प्रत्येक स्वर की फ्रीक्वेंसी का रियाज षड्ज के पैमाने के आधार पर करना। ठीक है दोस्तों, अब किस प्रकार, देखिए कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए आप, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी, भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, सब में आकार का महत्व बताया गया है। तो हमको दूसरा वाला जो रियाज है वो आकार में करना है। अब किस प्रकार करना है, मींड युक्त होकर, वो मैं आपको अब करके बताता हूं। ये क्या किया मैंने, सा रे सा, स्वर ना बोलकर आकार में करना है।
देखिए, सा और माँ का सबसे अच्छा संवाद माना गया है। सा और माँ का संवाद होता है, हम जानते हैं, नौश्रुति का गैप एक संवाद माना गया है। तो संवाद का भी आपका रियाज होगा इस रियाज में। ऐसे नहीं कर रहा मैं, मेंड युक्त होता हुआ जा रहा हूँ, मेंड युक्त होता हुआ आ रहा हूँ। सा से पंचम, तेरा श्रुति का गैप, ये भी बहुत अच्छा संवाद। वापस देखिए, समझ रहे हैं? इस प्रकार आपको प्रत्येक स्वर को सा से लगाना है। तो हरेक की आपकी फ्रिक्वेंसी सा के बेस मानकर आपकी क्लियर होती रहेगी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये दूसरा रियाज। तीसरा जो रियाज है दोस्तों, उसको कहते हैं दाने का रियाज। गले में दाना उत्पन्न करके पिच को हमको किस प्रकार करेक्ट करना है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो जब मैं आरोह जब मैं ले रहा हूँ, मतलब जब व्हेन आई एम असेंडिंग, तो चढ़ते टाइम मेरे को उसका जो स्वर लगा रहा हूँ उसके बाद के स्वर को टच कर कर वो वाला स्वर लगाना है। कैसे? रे सा करे मगा पमा थपा निधा सानी रे सा। अब इसको आकार में लगाना है, क्योंकि आकार का रियाज सबसे बेस्ट माना गया है। आप चाहे तो पहले स्वर में कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, अब उतरते टाइम जो पहले का स्वर है वो लगेगा पहले, मतलब चढ़ते टाइम तो बाद का स्वर है वो लग रहा है रे सा ग रे म ग। अब म ग ग पे म का लग रहा है क्योंकि म बाद में आता है, म पे प का लग रहा है क्योंकि म के बाद प आता है। समझ रहे हैं दोस्तों? और उतरते टाइम जो पहले का स्वर है वो पहले लगेगा, तो निशा निशा दनी पधा मापा गामा रे ग सारे निशा। अब दाना उत्पन्न कैसे होगा? जब मैं इसको आकार में कन्वर्ट कर दूंगा तो तो रियाज क्या होगा मेरा? पहले आकार में विलंबित में करना है, आराम से करना है। देखिए, आराम से की हुई चीज़ संगीत में सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला गुण एक विद्यार्थी में क्या होना चाहिए? सब्र का। तो सब्र से ही रियाज होगा आपका सफल। ठीक है, तो तो ये आपका तीसरा रियाज हो गया। तो रे सा ग रे म ग प म थ प नि द स नि रे सा नि सा द नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा इस प्रकार। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों रियाज अच्छे से समझ आए। पहला रियाज पिच करेक्शन के लिए आ ए ओ का उच्चारण स्वरों की फ्रीक्वेंसी में, दूसरा मैंने आपको मेंड का रियाज बताया, और तीसरा दाने का रियाज बताया कर्णयुक्त। इन तीनों का अगर आप विधिवत रूप से रियाज करते हैं दोस्तों तो 100%
पिच करेक्शन होगा, आपका सुरीलापन 100% इम्प्रूव होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छे से रियाज कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे आता रहूँगा। ओम शांति।